अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं अदनान का व्लॉग। जी हां, आज मैं सराइकी में नहीं उर्दू में बनाऊंगा ये वीडियो, और ये वीडियो बड़ी इंतहाई दिलचस्प और मज़दार है। वीडियो कुछ यूं है कि एक गरीब लड़का होता है जिसके 13 बहन भाई होते हैं, और वो लड़का एक जगह पे काम करता है और अपने घर के हालात की वजह से इतना परेशान होता है, लेकिन वो लड़का किसी के पास काम करता है। जी हाँ, वो लड़का किसी के पास काम करता है। ये बात आज से 2014 की है, 6 अक्टूबर की बात है। होता कुछ यूँ है कि अमेरिका की एक लड़की होती है जो फोटोग्राफिंग करने की बेहद शौकीन होती है, और उसको मुख्तलिफ जगहों पे जाकर फ़ोटो खींचना, उनकी ग्राफिंग करना और मुख्तलिफ खूबसूरत जगहों का विज़िट करना उसका शौक होता है। जी हाँ, जिस लड़की की मैं बात करूँ उस लड़की का नाम लिली एडन होता है, जो कि एक फ़ोटोग्राफ़र होती है और वो मुख्तलिफ जगहों पे जाकर खूबसूरत जगहों की फ़ोटो खींचती है। होता कुछ यूँ है कि वो लड़की जब रात को लैपटॉप पे पाकिस्तान के अलावा बहुत से चंद मुल्कों को टॉप 10 लिस्ट सर्च करती है कि जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान है ये पाकिस्तान के 10वें नंबर पे खूबसूरत मुल्कों में आता है, और इसकी सिटीज़ के बारे में वो सर्च करती है जो कि पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन सिटी इस्लामाबाद शो होता है। जी हाँ, जो लिली एडन होती है उसकी एक दोस्त होती है जो पाकिस्तानी मुकीम लड़की होती है जिसका नाम जवेरी अली होती है, वो उसे मैसेज करती है, उसे कहती है कि मैं अगले चंद दिनों बाद पाकिस्तान के खूबसूरत जगहों पे आकर विजिट करना चाहती हूँ, क्या मैं आ सकती हूँ। जवेरी अली कहती है जी हाँ, आप हमारे पाकिस्तान का विजिट करें, आपको पाकिस्तान के खूबसूरत जगहों पे दिखाऊंगी और पाकिस्तान खूबसूरत जगह पर लेकर जाऊंगी और आपको विजिट कराऊंगी। वो लिली एडन कहती है कि ठीक, मैं कुछ दिनों तक तुम्हें मैसेज करती हूँ और मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कब आ रही हूँ। जवेरी अली कहती है ठीक है। दरअसल जवेरी अली पाकिस्तान की लड़की मुकीम होती है, जवेरी अली पाकिस्तान इस्लामाबाद की रहायशी होती है, जवेरी अली भी एक स्टूडेंट होती है, स्टूडेंट होने के साथ साथ जवेरी अली की भी एक फ़ोटोग्राफ़र लड़की होती है जो कि मुख्तलिफ जगहों पे जाकर एक अच्छे कैमरे से तो नहीं, हाँ एक मोबाइल कैप्चर से तस्वीरें बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालती रहती है, हत्ता के इवन के गूगल अकाउंट्स पे भी डालती है, जो कि बहुत से लोग गूगल पे उसकी तस्वीरें देखते रहते हैं। जवेरी अली कहती है कि ठीक है, आप आ जाना। लिली एडन कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के लिए निकलती है, जवेरी अली जाकर उसको वेलकम करती है। जवेरी अली जब उसको वेलकम करती है, लिली एडन पाकिस्तान पहुँचती है, लिली एडन सबसे पहले से ये सवाल करती है कि मुझे पाकिस्तान के उन खूबसूरत जगहों पर लेकर जाना है जो कि मैंने गूगल पे देखें और रिसर्च मैंने की हुई है। जवेरी अली कहते हैं ठीक है, आप आएँ, स्टे करें, कुछ दिन रहें, और आपको खातर तवाज़ो भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको उस जगहों पे विज़िट भी करेंगे। लिली एडन जैसे पाकिस्तान में आती है, वो पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की चीज़ों को और पाकिस्तान के शहरों को विज़िट करने के लिए बेहद सरप्राइज्ड होती है, एक्साइटेड होती है कि मैंने आज पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना है और बहुत सी जगहों पर जाकर अपनी फ़ोटो अपने ग्राफिंग के लिए फ़ोटो खींचनी है। लिली एडन अगले दिन जनाब अली पाकिस्तान के मशहूर तरीन शहर इस्लामाबाद की बहुत सी जगहों पर जाती है और जाकर तस्वीरें खींचती है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डाल दी रहती है। इसी तरह सारा दिन गुजरता है, इस्लामाबाद की बहुत सी खूबसूरत जगहों पर जाकर वो तस्वीरें खींच कर सोशल मीडिया पर डालती रहती है, और देखकर बड़ी खुश होती है कि जी हाँ, इस्लामाबाद वाकई एक खूबसूरत तरीन शहर है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है। जब वो सारा दिन पिक्चरें खींचकर थक जाती हैं दोनों, आकर एक जगह पर बैठती हैं, लिली एडन कहती है कि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, मैं पहले एक टी ब्रेक करूँगी, टी ब्रेक करने के बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट शहर चलेंगे और पिक्चरें खींचेंगे। जवेरी अली कहती है ठीक है। जवेरी अली ऑर्डर एक ढांपे पे जाकर ऑर्डर करती है, हालांकि वो एक ढांपा आम सिंपल सा होता है, लेकिन जवेरी अली उसे अपने कल्चर, उसे रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रही होती है।
जवेरिया अली ऑर्डर करती है दो चाय का। जब वो जवेरिया अली दो चाय का ऑर्डर करती है, जिस लड़के को ऑर्डर करती है वो लड़का जो चाय बना रहा होता है, जवेरिया अली थी लिली एडन से कैमरा लेती है, लिली एडन से कैमरा लेकर चाय बनाने वाले की पिक्चर खींचती है। जब पिक्चर खींचती है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे डालती है, देखते ही देखते चाय वाले की पिक्चर इतनी वायरल हो जाती है कि रातों रात वो लड़का मिलियंस से भी ज़्यादा लाइक और उसके बाद कमेंट्स और शेयर हो जाते हैं। इवन के उस लड़के पे हॉलीवुड से भी कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। और कमेंट्स क्या होते हैं, ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और इसके बाद उसकी आंखों पे तबसरा शुरू हो जाता है और वो लड़का फेमस होता होता इतना फेमस हो जाता है कि उस लड़की के फॉलोवरों में भी रातों रात काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है। उस अगले दिन जब जवेरिया अली दोबारा जाती है, फिर एक पिक्चर खींचती है और उस लड़के की सोशल मीडिया पे डालती है, और देखते ही देखते फिर वही उसकी पिक्चर वायरल होना शुरू हो जाती है। जवेरिया अली बड़ी हैरान होती है कि एक लड़के की पिक्चर इतनी ज़्यादा वायरल हो गई कि हॉलीवुड से कमेंट्स, पाकिस्तान से कमेंट्स और बहुत सी जगहों पे उस लड़के को सराहा गया। अगले दिन उस लड़के के पास बहुत सा रश लग जाता है, लोग तस्वीरें खींचना शुरू कर देते हैं, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। वो लड़का एकदम से डर जाता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है और लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल वो लड़का एक अनपढ़ होता है और बिल्कुल ही उसको इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि सोशल मीडिया, इंटरनेट क्या चीज़ है। जी हाँ, वो उसको इन चीज़ों का बिल्कुल ही पता नहीं होता, लेकिन उसको फिर बताया जाता है कि आपकी एक पिक्चर खींची गई है जो कि इंटरनेट पे बेहद वायरल हो गई है और उस पर बहुत से लोगों ने कॉमेंट्स किए हुए हैं, आप बहुत मशहूर हो चुके हैं, बहुत फेमस हो चुके हैं। वो लड़का इस बात पे गौर नहीं करता। अगले दिन जवेरिया अली को इंटरनेट पे एक लड़का रब्ता करता है जो कि बाहर के मुल्क का एक स्टूडियोग्राफर होता है। वो लड़का कहता है कि क्या मेरी उस लड़के से बात हो सकती है या मैं उस लड़के से बात कर सकता हूँ। वो जवेरिया अली कहती है कि ठीक है, मैं उस लड़के से आपकी बात करवा दूँगी। जवेरिया अली कंट्रैक्ट करवाती है उस चाय वाले का और एक बाहर के मुल्क का जो स्टूडियोग्राफर होता है, वो लड़का अरशद वाले चाय वाले के साथ एक डील करता है कि आप मेरे मुल्क में आ जाओ, मैं आपका तमाम खर्चा अफोर्ड करूंगा और आपको पैसे भी दूंगा, आपने यहां आकर मेरे स्टूडियो के लिए कुछ ब्रांड के शूट करने हैं, इसका मैं आपको अच्छा खासा मुआवजा दूंगा। अरशद अली अनपढ़ होता है, ये सारी चीज़ें अरशद अली को बिल्कुल नहीं होती हैं अरशद अली के लिए, लेकिन इसके बाद अरशद अली उस लड़के से डन डील करता है और उसे अपना नंबर देता है। इस तरह करते करते अरशद अली का कंट्रैक्ट होता है उस लड़के के साथ। कुछ ही दिनों तक जनाब अरशद तैयार होता है और उसके शूट होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला जो शूट उसका होता है वो पाकिस्तान के बाहर होता है। बाहर के मुल्क में अरशद अली को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए भी ऑफर्स होती हैं। इसके बाद उसे बहुत से मुख्तलिफ ब्रांड के शूट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, जिससे अरशद अली काफ़ी हद तक पैसे कमाना शुरू हो जाता है और उसको काफ़ी पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। अरशद अली कामयाब इतना हो जाता है कि अरशद अली के पाकिस्तानी मीडिया पर काफ़ी चर्चे होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद एक और ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि पाकिस्तान में ये भी न्यूज़ गर्दिश करने लग जाती है कि अरशद अली का एक क्रेन हादसे में, एक कार एक्सीडेंट में, एक इस चीज़ में एक्सीडेंट हुआ है और अरशद अली की डेथ हो गई है। क्योंकि अरशद अली 2014 में उस लड़के के साथ कंट्रैक्ट करता है और कुछ ही टाइम बाद वो बाहर चला जाता है और सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब हो जाता है। लोग समझना शुरू कर देते हैं कि अरशद जो बहुत फेमस हुआ था, चाय वाला जिसकी एक पिक्चर फेमस हुई थी, वो इस दुनिया में अब नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई है। हालांकि वो लड़का बिल्कुल सही सलामत बाहर के मुल्कों में मुख्तलिफ ब्रांड के शूट्स कर रहा होता है और उसको इस चीज़ का पता नहीं होता, लेकिन अंग्रेज़ अरशद अली को इंग्लिश भी सिखा रहे होते हैं और उसके शूट्स भी करवा रहे होते हैं और उसको मुख्तलिफ चीज़ों की ऑफर कर रहे होते हैं, लेकिन अरशद अली इवेंट्स के सिर्फ यहाँ तक ब्रांड के शूट्स करता है और मुख्तलिफ कंपनियों के
शूट्स करने के बाद अरशद अली अपना कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने के बाद लोग देखते रह जाते हैं। जी हाँ, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पे और जो लोग मेहनत करते हैं उनको इसी तरह नवाज दे, ये हमारी दुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और हाँ प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।